हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफ्यूज़न इन सेल्स डिफ्यूज़न हम लोगों को केमिस्ट्री में भी पढ़ना है लेकिन क्लास नाइन में ये हम लोगों को सेल चैप्टर में पढ़ना है डिफ्यूज़न जो है सेल में कैसे होता है और डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या है इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ बायोलॉजी अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और फिर और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए थैंक यू स्टार्ट करते हैं पढ़ना डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन सेल्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एंड बिटवीन द सेल्स टेक्स प्लेस बाई डिफ्यूजन डिफ्यूजन जो है सेल में होता है क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सेल मीन्स दो सेल के बीच में और किससे तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मीन्स जिस इन्वायरमेंट में वो सेल प्रजेंट रहेगा उससे जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है मीन्स एक्सचेंज होगा गैसेस का और दो सेल के बीच में भी जो है डिफ्यूजन प्रोसेस होता है डिफ्यूजन प्रोसेस है क्या तो थर्ड पॉइंट में लिखें डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिकूल्स ऑफ वेरियस सबस्टांस ड्यू टू रैंडम मोशन डिफ्यूज़न प्रोसेस जो है इसमें जो है दो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है वो इंटरमिक्स होता है मीन्स मिक्स होता है और या फिर सेम सब्सटेंस भी हो सकता है मेनली जो है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो इंटरमिक्सिंग होता है मॉलिक्यूल्स का इसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं ठीक है सेकेंड पॉइंट में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव इन एंड आउट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन तो प्लांट सेल में ये डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है और किसके द्वारा होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ठीक है ठेके? हम लोग पहले भी पढ़े कि वाटर का मूवमेंट जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं ठीक है ठेके? अगर गैस का एक्सचेंज होगा तो ये प्रोसेस मतलब किस प्रोसेस से होगा डिफ्यूजन प्रोसेस से और प्लांट में जो है मेनली जिस गैसेस का एक्सचेंज होता है वो क्या है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट में हम लोग देख लेते हैं डिफ्यूजन को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स डिफ्यूज़न प्रोसेस में कोई भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है जैसे एक एक्सपेरिमेंट में हम लोग पढ़ पढ़ते भी हैं जैसे एक बिकर में हम लोग वाटर लिए और उसमें एक दो ड्रॉप जो है ब्लू या रेड इंक डालते हैं तो कुछ समय के बाद देखते हैं वो पूरा बिकर का वाटर जो है वो इक्वली रेड या फिर ब्लू हो जाता है तो ये जो मूवमेंट हुआ इंक का और उसके मॉलिकुल्स का वो किस प्रोसेस के द्वारा हुआ डिफ्यूज़न के द्वारा तो डिफ्यूज़न जो है मैंने वो इंक जो डाले वो हाईली कंसनट्रेटेड हुआ और वाटर में मूव किया मीन्स वाटर में जो है उसका कंसनट्रेशन कम था या फिर नहीं भी रहता है ठीक है तो ये जो मूवमेंट हुआ इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूज़न बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से थैंक यू